हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिसेस किंजल पंचाल, आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेरी फाइन एट योर होम। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई ऑल्सो इंग्लिश ग्रामर रिवीजन कंटिन्यू। ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द प्रेजेंट टेंस। ओके, एंड इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द पास्ट टेंस। ओके, टेंस आर, हाउ मेनी टेंस आर? देर आर 3 टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, अभी नाउ पास्ट टेंस, उसमें भी फर्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, वी विल लर्न अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। फर्स्ट इज द सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस हम कैसे पढ़ेंगे? कि सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो पास्ट मतलब आपको क्या बोलते हैं, भूतकाल, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं ना। हाँ, तो भूतकाल में जो एक्शंस, क्रिया जो होती है उसको दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। ओके, और हाँ, हम यहाँ आपको ईडी लगाना होता है। क्या लगाना होता है यहाँ आपको? क्या लगाना होता है? ईडी ऐड करना होता है, ईडी। ओके, कई जगह तो चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ बताऊँ, स्टॉप, तो यहाँ आपको क्या करना है? स्टॉप पेड। हाँ, आपको ये याद रखना है कि पी वाला जो होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि डबल पी हो जाता है। ओके, डबल पी हो जाता है। ओके, पी वाला होता है। फिर देखो, जैसे दूसरा है वॉस, तो वॉस, ओके, वॉस्ट, मैं एस एच ई डी लगाना चाहती हूँ। ओके, सो वॉस, वॉस्ट। अब कुछ ऐसे होते वो पूरा चेंज हो जाता है, जैसे कि ईट है तो क्या हो जाता है? एट हो जाता है। ईट हो तो क्या हो जाता है? एट हो जाता है। बाकी सब में तो ई डी लगाना होता है, ई डी। फिर फाइंड तो क्या हो जाता है? फाउंड। ओके, बाकी सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, अटैक, अटैक, ड्राइड, हाँ, फिर ड्राई, DRY, ड्राई, तो ड्राइड हो जाएगा। इसी तरह क्राई, तो पास्ट सन कैसा हो जाएगा? क्राइड। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा समझना होता है, आपको ये याद करना होता है। ये इरेगुलर है, ये चेंज हो जाता है पूरा। ओके, बाकी सब में मोस्टली आपको क्या करना होता है? ईडी लगाना होता है। ये ईडी जैसे लगाए ना वैसे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, सेलिब्रेट। ओके, सेलिब्रेट, तो आपको क्या करना है? सेलिब्रेट, यहाँ ई है तो डी लगाना होता है। ओके, आपको समझ में आया? एकदम इजी है। ओके, जैसे कि एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। जैसे सिंपल पास्ट टेंस मतलब जस्ट अभी वो कंप्लीट हुआ होता है, पास्ट, यानी मैंने ये किया, मैंने वो खाया। देखो, जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, आई एट एन एप्पल। ओके, इस तरीके से। फिर दूसरा सी आस्क्ड मी अबाउट हिम, उसने मुझे उसके बारे में पूछा, जस्ट हो गया। आप इस तरीके से ले सकते हो कोई भी एग्जांपल। ओके, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है वर्ब। ओके, वर्ब चेंज हो जाएगा, पास्ट में आ जाएगा, पास्ट फॉर्म करना है आपको। कौन से पास्ट फॉर्म्स में आपको वर्ब्स को चेंज करना है? यहाँ आई ईट एन एप्पल, तो आई ईट की जगह क्या होगा? आई एट एन एप्पल, ये पास्ट हो गया। आई आस्क मी, सी आस्क मी, सी आस्क्ड मी। ओके, तो ये चेंज हो जाता है वर्ब। ओके, दूसरा है, सेकंड नंबर है, एकदम इजी है बच्चों। ओके, इतना कुछ हार्ड नहीं है टेंस। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस, लिटिल बिट। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस, अच्छे से मार्क्स। ओके, फिर दूसरा, हाँ, कुछ ऐसे जैसे ही द चिल्ड्रन ले लेते, द चाइल्ड ब्रॉक दैट ग्लासेस,
ओके द चाइल्ड ब्रॉक दैट ग्लासेस, मतलब बच्चे ने वो ग्लास तोड़ दिए, इसलिए ब्रॉक, तोड़ दिए मतलब पास में तोड़ दिए, अभी हम बता रहे थे तोड़ दिए, ओके सो अंडरस्टैंड, ओके इट्स वेरी इजी। अब ये पॉजिटिव में थे, ये यहाँ क्या मतलब कैसे था पॉजिटिव, ओके अब हम सीखेंगे नेगेटिव, इसके एग्जाम में नेगेटिव क्या करना है, आई एट एन एप्पल, आई एट तो आई डीड नॉट, एट का ईट हो जाएगा क्योंकि हमें ईट का ऐड किया, ईट एट ईटन, ओके यानी यहाँ सेकंड वाला जो होता है वो आता है, थ्री फॉर्म होते हैं ना उसमें सेकंड फॉर्म जो होता है वो आता है, ओके ईट एट ईटन तो ईट हो जाएगा ईट एन, इसमें से ही बता रही हूँ दैट्स वाई यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ फिर डिड नॉट है तो इसका क्या हम करेंगे, शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं हम लोग, आई डिडंट ईट एन एप्पल, ये समझने के लिए ही है बच्चे, ओके इसको कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके सिर्फ टेंस समझने के लिए मैं यहाँ सारे टेंस आपको वन बाय वन सिखा रही हूँ, ओके तो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, डिडंट, ये पास्ट टेंस हमने लिया है ना, पास्ट टेंस, इसलिए पास्ट के लिए डिड यूज़ होता है, ओके और प्रेजेंट के लिए डू और डस यूज़ होता है, यू नो वेरी वेल, ओके डू और डस। सो दूसरा है चलो सी एस्क्ड, सो सी डिड नॉट, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म ही लिखती हूँ, ओके डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट, आस्क मी अबाउट हिम, ओके थर्ड वन इज द चाइल्ड डिडंट लिखो ना, ओके डिडंट ब्रेक दैट ग्लासेस, ओके एकदम इसी है ना। अब इसको क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में कैसा होता है, ये डीड जो है वो आगे आ जाएगा, डीड द चाइल्ड ब्रेक दैट ग्लासेस, ओके इस तरीके से डीड द चाइल्ड ब्रेक द दैट ग्लासेस, अब इसलिए सी तो डीड सी आस मी, इस एकदम इजी है इसलिए, ओके अबाउट ही, हाँ क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क्स तो लगेगा ही, ओके क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही, ओके एकदम इजी है ना बच्चों, ओके ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, एकदम इजी है, ओके चल नाउ सेकंड, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस सेकंड वन इज द पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस मतलब पास्ट में यानी भूतकाल में, कंटिन्यूस मतलब चल रही होती जो एक्शंस होती है ना वो, ओके यानी एक ऐसी एक्शंस जो पास्ट में कुछ समय के लिए चल रही होती है, ओके पर्टिकुलर टाइम होता है ना तब चल रही होती है। फिर दूसरा ये एक ऐसी जगह की एक एक्शन होती है, ओके कुछ चल रहा होता है जो दूसरे एक्शंस भी होती है, ओके उसके साथ साथ दूसरी भी एक्शन होती है, ओके फिर दूसरे टू एक्शंस जो होती है, दो एक्शंस होती है और एक ही टाइम पे पास्ट में दो एक्शन एक ही समय में जब होता है तो वो दिखाने के लिए भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। अब ये फॉर्म किस तरीके से होता है देखो, हमें वॉज या तो वर्ब लगाना होता है, ओके प्लस वर्ब जो होता है उसको आईएनजी लगाना होता है, ओके इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, याद है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसी तरह ये पास्ट की है तो पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर वर प्लस आईएनजी, ओके एकदम इजी है। अब देखो जैसे कि सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन अ स्टेज, ऑन द स्टेज,
सीता स्टेज के ऊपर एक सॉन्ग गा रही थी. ओके सो वॉस वन. ओके ये एग्जांपल से. ओके फिर सेकंड है देखो, वन बाय वन आपको सिखाऊंगी. ही वॉज प्लेइंग द गिटार. ही वॉज प्लेइंग द, मैं आपको ये सब समझाना चाहती हूँ कि एकदम इजी है. आप बोलते हैं ना वो तो वो कर रहा था, वो कर रहा था मैम, वो तो वो कर रहा था. तो कौन सा टेंस आया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ही वॉज डूइंग, फिर जो कर रहा था वो बोल सकते हैं हम लोग. ओके एकदम इजी. अंडरस्टूड? जब मैं गया ना तो मैम वो कर रहा था, है ना? बोलते हो ना, तब ये कौन सा टेंस यूज करेंगे? द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके व्हेन आई वाज गो देयर, देखो इसका आप बोलते हो ना मैम व्हेन आई वाज गो देयर, जब he was eating his lunch. ओके लंच डिनर जो भी लिखना है आप लिख सकते हो. ओके जब मैं वहाँ गया था वो उसका लंच खा रहा था. ओके तो इस तरीके से आप यहाँ पर when I went there वैसे भी लिख सकते हो. ओके यू कैन राइट. ओके बट ये लिखना अच्छा रहेगा व्हेन आई वाज गो देयर. ओके सो ये वाला बेटर है. जब मैं वहाँ गया था वो खाना लंच खा रहा था. ओके सो स्टूडेंट्स दो ही टेंस थे पास्ट में, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके और हाँ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू फ्यूचर टेंस. ओके सो समझ में आ गया, ये कहीं पर भी लिखना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड समझना है. जितना हो सके उतना समझो. ओके इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, वी सीता वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. ओके जैसे मैं यहाँ आपको नेगेटिव भी बता देती हूँ, चलो ये नेगेटिव. ओके याद रखो, जैसे सीता वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज. ओके अंडरस्टूड? एकदम इजी. नाउ अब समझ में, सिर्फ नॉट लगाने से नेगेटिव हो जाता था, वर्ब आगे लगाने से क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन जाता है. ओके सो स्टूडेंट्स घर पर रहिए, सेफ रहिए. ओके नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू फ्यूचर टेंस. ओके सो बाय.